इस समय आप सभी ने सोशल मीडिया पर एक वायरल वीडियो देखी होगी, जिसमें आरिफ नाम का एक इंसान और एक सारस की दोस्ती को दिखाया गया है। इन दिनों उत्तर प्रदेश के राजकीय पक्षी सारस की चर्चा सूबे में जमकर चल रही है, और चले भी क्यों ना, आखिर सारस ने भी एक इंसान से दोस्ती कर नए रिश्तों की इबारत जो गढ़ी थी। दरअसल अमेठी निवासी आरिफ नाम का यह शख्स एक घायल सारस को अपने साथ अपने घर ले आता है। इसके बाद आरिफ ने सारस की ऐसी देखभाल करी कि वो उसका दोस्त बन गया। दोनों की दोस्ती को देखकर लोगों ने इन्हें जय और वीरू तक कह डाला, लेकिन इसके बाद आरिफ से उनका सारस छीन लिया गया। इनकी दोस्ती पर वन विभाग का ग्रहण लग गया। वन विभाग की टीम ने आरिफ को नियमों का हवाला देते हुए अपने साथ पक्षी को लेकर चले गए। इसके कुछ दिनों बाद पक्षी बिहार से सारस गायब हो जाता है। आरोप प्रत्यारोप का दौर चल ही रहा था कि खबर मिली कि सारस एक गांव में मिल गया है। वहीं अब सोशल मीडिया पर इसी सारस को लेकर कई सारे दावे किए जा रहे हैं। जो सारस 7 महीने से आरिफ के साथ रहता था, इस हफ्ते उसे अलग कर दिया गया। इसके बावजूद सारस के आरिफ से मिलने की उम्मीद थी, क्योंकि वो उसके गांव से कुछ किलोमीटर दूर एक पक्षी विहार में रखा गया था। लेकिन सारस को पक्षी विहार ले जाने के एक दिन बाद ही वह वहां से लापता हो जाता है। इससे वन विभाग की चिंता बढ़ जाती है। वन विभाग के लिए राहत की बात ये रही कि सारस 12 किलोमीटर दूर एक गांव में मिल गया। इसके बाद वन विभाग की टीम सारस को फिर से पक्षी विहार ले आती है, लेकिन इसके बावजूद भी वन विभाग को ऐसा लग रहा है कि सारस फिर से आरिफ के पास जाने की कोशिश करेगा। इसलिए इन सबको ध्यान में रखते हुए सारस को पक्षी विहार से दूसरी जगह शिफ्ट किया जाएगा। इस दफा सारस को इतनी दूर ले जाया जाएगा कि वो फिर से अमेठी ना सके। साथ ही सारस के अनुकूल मौसम वाले पक्षी विहार में उसको छोड़ा जाएगा, जिससे वहां पर उसका मन लग जाए। वन विभाग के इस फैसले के बाद शायद ही अब आरिफ और सारस एक दूसरे से मिल पाए, लेकिन इनकी दोस्ती अब इतिहास बन जाएगी। इस वीडियो को लेकर आपके क्या राय है हमें कमेंट करके बताएं, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर लें।